प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की यात्रा में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर अध्यात्म और ज्योतिष से परिचित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को शुरू कर लेते हैं। द्विग्रही योग, जिसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध किसी भी ग्रह के साथ कोई भी एक ग्रह और बैठ जाता है जन्म कुंडली के अंदर, तो द्विग्रही योग कहलाया जाता है, यानी दो ग्रहों का योग, जिसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप उनके माध्यम से तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज की चर्चा रहेगी तीन ग्रहों की युति को लेकर, यानी कोई भी कुंडली का भाव हो, तीन ग्रह आपके एक साथ बैठे हो तो उसका क्या फल हो सकता है। वैसे मैं एक चीज यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी ज्योतिष का फलादेश करना हो तो सिर्फ हम ग्रहों के आधार पर ही नहीं, उसके भाव, अंश और तमाम चीजों को देखकर ही हम निश्चित फल हमें कहना चाहिए। खैर, फिर भी हम आज तीन तीन ग्रहों की युति को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा किसी भावस्थ नहीं रहेगी, किसी राशि के आधार पर नहीं रहेगा, यह एक सामान्य चर्चा है जो कि तीन ग्रहों के एक साथ बैठने पर फल हम चर्चा करें। त्रिग्रही योग के इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे रवि, मंगल और गुरु को लेकर चर्चा, यानी सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति एक ही भाव पर बैठ जाएं। हम लोग चर्चा को शुरू करें, इससे पहले आपको बता देता हूं, यह चर्चा किसी भाव के आधार पर नहीं, किसी राशि के आधार पर नहीं, बल्कि एक सामान्य रूप से ही हम आज इसके संयोग का हम लोग अर्थ समझेंगे। क्या फल रहेगा यहां पर जब सूर्य, मंगल और गुरु एक साथ बैठेंगे। का जीव सूर्य कुजेर योगे प्रचंड सत्यभाषण राजमंत्री नरश्चापी कुवाक्यो निपुण भवे। अर्थात रवि, मंगल और देवगुरु की युति अगर बनती है, संयुति बनती है किसी विभाव के अंदर, तो यहां पर जो है उसका फल रहेगा, ऐसे व्यक्ति प्रचंड क्रोधी देखे जा सकते हैं, आक्रामक ऐसे लोग यहां पर हो सकते हैं, अत्यंत क्रोधी लेकिन प्रखर वक्ता, यानी बोलचाल की भाषा में हो या किसी मंच को दे दिया जाए, माइक पकड़ा दिया जाए, तो फिर धड़ाधड़ फराटेदार जो है बोलना आरंभ कर देते हैं। किसी की भय नहीं, किसी का कोई चिंता नहीं, निर्भीक होकर के जो है ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जीवन काल में। इसी के साथ साथ सत्य वक्ता भी होते हैं, ये नहीं कि अगर बोल रहे हैं तो कुछ अनाप शनाप जो है अनर्गल बोले, नहीं, सत्य वक्ता भी होते हैं, जो सच्चाई की बात है, जो काम की बात है, जो मुद्दे की बात है, उनको ऐसे लोग करते हैं। राज्य मंत्री और राज्य स्तर उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ कार्य में दक्षता और कुशलता भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। दर्शकों, यदि छोटी सी चर्चा तीन ग्रहों की युति को, संयुति को लेकर के, आप ऐसे ही तमाम वीडियोस के साथ बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।